दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लक्ष्मीबाई नगर जो माल गोदाम है ये वहाँ का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। और इधर ये जो है माल गोदाम के जो ये शेड हैं, एक पहला शेड ये है और एक जो दूसरा शेड वो उसके पीछे बना हुआ है। दोस्तों, ये शेड और ये प्लेटफॉर्म वगैरह मैं आज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आपको यहाँ से ट्रेनों का संचालन होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं काफ़ी पर्याप्त जगह है, काफ़ी सारी लाइनें यहाँ पे बिछाई जा सकती हैं, लूप बिछाए जा सकते हैं। और तो ये एक बड़ी मुफीद जगह होगी जहाँ से अब ट्रेनों का संचालन चालू होगा। लक्ष्मीबाई नगर एक टर्मिनेशन स्टेशन बन जाएगा, रेलवे के पास काफ़ी जगह है। और ये जो लक्ष्मी नगर जो माल गोदाम है ये यहाँ से शिफ्ट होके अब दो टुकड़ों में बटेगा दोस्तों। और ये जो टुकड़े होंगे, एक बनेगा मांगलिया में माल गोदाम और दूसरा बनेगा पालिया में, क्योंकि ये काफ़ी बिल्कुल हाई कैपेसिटी के दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है। आप ये आप देख सकते हैं पूरी फुल लेंथ और काफ़ी ऊंचाई वाले ये प्लेटफॉर्म है, शेड भी लगे हुए हैं। तो इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में इनका उद्धार किया जाएगा और जो प्रोजेक्ट जोड़ा गया है कि अब यहाँ से ट्रेनों का संचालन किया जाए। तो दोस्तों, ये ट्रेनों का संचालन क्यों करना पड़ रहा है? ट्रेनों का संचालन यहाँ से इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इंदौर स्टेशन पे अब जगह नहीं है। मेन स्टेशन पे चार प्लेटफॉर्म रह गए हैं और दो प्लेटफॉर्म जो हैं वो आइलैंड प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ से ट्रेनों का संचालन, यदि नई ट्रेनें चालू करना है, स्पेशल ट्रेनें चलाना है, तो अब भविष्य की ज़रूरतों के लिहाज से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से बात करें तो दोस्तों, अमूमन हर ट्रेन यहीं से गुजरती है, लेकिन जो यहाँ से जो चालू होती है जो मतलब जो ट्रेन या जो पास होती है जिसे कहें, तो वो एक ही ट्रेन है दोस्तों, और वो है अजमेर रामेश्वरम। और आने वाले 5-10 सालों में जब इंदौर में नई रेलवे जो है वो नई ट्रेनें चालू करेगा तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा नए रेलवे स्टेशन का निर्माण। ये आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी ये स्लीपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ रिन्यूअल वगैरह चल रहा है ट्रैक का मुझे लगता है। तो जो इंदौर आके टर्मिनेट होना है, जो इंदौर से ओरिजिनेट होना है जो ट्रेनें, वो ट्रेनें दोस्तों लक्ष्मी नगर से चलाई जाएंगी। मेन स्टेशन जो है और जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, मेन स्टेशन से जो पासिंग ट्रेनें हैं, जो बाद में इंदौर दाहोद छोटा उदयपुर धार रेल लाइन और महू खंडवा अकोला वर्ल्ड गेज बिछने के बाद में वो जो पासिंग ट्रेनें हैं वो सब मेन स्टेशन से निकल जाएंगी। और अपना ये जो अपना आइलैंड प्लेटफॉर्म का उपयोग है वो प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेनों के लिए होता रहेगा। हालांकि वहाँ पे बस केवल दो ही प्लेटफॉर्म हैं और एक आध प्लेटफॉर्म वहाँ पे नया बनाने का भी प्रोविज़न है, लेकिन अभी वो कुछ वो वाली स्थिति फाइनल नहीं है। लेकिन लक्ष्मीबाई नगर का ये स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन विकसित होगा, ये बिल्कुल तय कर दिया रेलवे ने। और दोस्तों, इसके साथ एक और ये भी चीज़ सुनने में आ रही है कि मांगलिया से पालिया, आपको याद होगा 2011 में भी ये बात चली थी कि एक कॉर्ड लाइन मांगलिया से पालिया के बीच में बिछाई जाए। तो रेलवे ने लक्ष्मीबाई नगर फतेहाबाद रतलाम डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत मांगलिया से पालिया के बीच में कॉर्ड लाइन भी बिछाने का, या एक लिंक लाइन भी कह सकते हैं, वो जो प्रपोजल है उसे शामिल करके बोर्ड में भेजा है। अब देखते हैं उसकी क्या स्थिति होती है। यदि वो लाइन बिछती है तो एक पूरा एक नया ट्रैक ये अपने बाईपास हो जाएगा और उसका उपयोग भोपाल तरफ से जो मुंबई दिल्ली की तरफ ये अपने जाने वाली जो गुड्स ट्रेन है वो तो उनके लिए होगा ख़ास तौर पर। और दूसरा, इंदौर जो भी मालगाड़ियाँ वगैरह आएंगी, तो चूँकि इंदौर स्टेशन अब यहाँ पे लक्ष्मी नगर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मालगाड़ियों को, जो अभी यहाँ पे यूरिया सीमेंट जो भी ये जो तार दिख रहे हैं आपको लोहे के, ये जो सब सामान जो भी आता है इंदौर में अभी मालगाड़ियों से, वो अब वो मांगलिया या पालिया में ही उसको लोडिंग अपलोडिंग किया जाएगा। जो भी अनाज आता है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में दोस्तों ये पूरी ट्रकों की कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं।
तो रेलवे के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।